किसान मित्रों, मैं आपका दोस्त राजेश सैनी और आप देख रहे हैं इंडियन किसान। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान के बारा जिले में जो अंता तहसील है उसके अंदर एक खजूरना गांव है उस जगह पे हूँ और आपको मैं यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में जो सोयाबीन की खेती होती है वो होती है। और आप मेरे साथ देख पा रहे हो किस तरह ये सोयाबीन के पेड़ की जो फलियाँ है वो पूरे पेड़ के अंदर भरी हुई है। तो यहाँ के जो युवा किसान साथी हैं उनसे मैं आपको से मिलाऊंगा और इस सोयाबीन के बारे में मैं आपको जितनी हो सके उतनी मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो चावल की भी खेती की जाती है, मूंग, उड़द, सोयाबीन, जो दाल की किस्में होती है ना उसकी बहुत ही बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। तो अभी मैं फ़िलहाल, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो बारा जिले से, जो मैं आपको सोयाबीन की फसल के बारे में बता रहा हूँ। और दोस्तों, आप मेरे ब्लॉग चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हो, वो राजेश जोन के नाम से ब्लॉग चैनल है, उस पे भी आप जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ इस आसपास के जितने भी मंदिर हुए, गांव का कल्चर हुआ, उस चैनल पे मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ के युवा साथी किसान से मित्र से मिलवाना चाहता हूँ। राम जी, राम राम जी। तो शुभ नाम आप? भूरिया। भूरिया, अच्छा। तो ये आप सोयाबीन की खेती करते हो, सोयाबीन की खेती करते हो, तो इसका खेती करने का क्या तरीका होता है आपका? इसका तरीका होता है, इसको पहले तो बढ़िया जैसे आंकना जोतना है इसको बढ़िया। अच्छा, पहले बाजोत करते हो? हाँ, बाजोत करते हैं। तो कितनी बाजोत कर लेते हो आप? दो तीन बार तो होती सही से। तीन बार तो हो जाती। अच्छा, फिर उसके बाद में आंख जोत के, जंत करके, इसको बाजोत करके फिर इसको उपचार करना पड़ता है इसका, दवाई में। अच्छा, दवाई में कीड़ा, बीज का उपचार करना पड़ता है। कौन सी भी दो तीन तरह की दवाई आती है वो, तो उसमें मिला के इसको सको देते हैं। अच्छा। सको के इसको दो तीन घंटे तक इसको धूप में रखा जाता है। अच्छा। तो इससे कीड़ा नहीं खाता इसको अंदर जमीन में, दीमक लग जाती है, नहीं तो भी दीमक लग जाती है तो फिर हमारा बीज, आधा बीज तो इसे खराब हो जाता है। अच्छा। कम उगती है फिर ये। अच्छा, पानी बरसता है जब बहुत ये। अच्छा, तो एक बीघे में कितना बीज लगा देते हो आप? ये लगभग 30 किलो बीघा का, 25 किलो बीघा का ऐसे होता है। 25 बीघे? हाँ, 25 किलो, 30 किलो। अच्छा, इससे तो कम नहीं तो लगता ये है। फसल है, इसका बीज क्या कोई ऐसे अपना खुद घर का लगाते हो या मार्केट से खरीद के लेके आते हो? घर का हो तो घर का लगाते हैं, ना तो मार्केट से लाना पड़ता है। अच्छा, तो ये जैसे आप 25 किलो बीज बता रहे हो एक बीघे में, तो इसका एक बीघे से कितनी फसल हो जाती है? एक बीघे की दो तीन बोरी निकलती है, बढ़िया साल बैठ जाए तो चार बोरी निकलती है, तीन चार निकल जाती है। और ये इसका भाव क्या रहता है मंडी के अंदर? इसका भाव 7,000, 8,000, 6,000 ऐसे चलता रहता है। अच्छा, तो इसमें और केवल इसके सोयाबीन ही के तो है या पत्ते भी को काम ले लेते हो इसको? पत्ते होते काम नहीं आते, केवल सोयाबीन, ये तो सूख के नीचे गिर जाते हैं। तो अच्छा, सूख के? हाँ, इसका तो फिर ये अपन जैसे मशीन में निकालते हैं तो चारा बनता है इसका। अच्छा। डोर खाती है इसको तुम्हारी? अच्छा, गाय भैंस खाती है। और ये दूसरी चीज और पूछ रहा था मैं, ये फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये 90 दिन में तैयार हो जाती है। 90 दिन में तैयार हो जाती है। और इसको पानी किस तरह लगाते हो आप? ये तो पानी तो इसमें ऊपर से बरसता है जो ही, अगर पानी ना है तो ट्यूबवेल से पिलाना पड़ता है। ट्यूबवेल से पिलाना? हाँ। दोस्तों, आप ये देख रहे हो मेरे जो हाथ में जो सोयाबीन है उसके कितनी शानदार जो फलियां आ रखी है। दोस्तों, मैं जो खजूरना कला गांव है उसके अंदर हूँ और ये बारा जिले की अंता तहसील है उसमें हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा जो सोयाबीन की फसल है ना बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पे अब की बार बरसात भी बहुत ही अच्छी हुई है, जिससे ये जो फसलें हैं जो काफ़ी अच्छी तरह पकी हुई है। और जहाँ तक आप मेरे पीछे देखोगे ना, जहाँ तक नज़र जाएगी, वैसे मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाने वाला हूँ, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये सोयाबीन की जो फसल है बहुत ही शानदार है। तो एक बार यहाँ के ड्रोन शॉट एंजॉय कीजिए, उसके बाद में मैं आपको और भी किसान आने वाली वीडियो है उनमें और भी किसानों से मिलवाऊंगा। और दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा ये भाई मेरे को लिफ्ट दे दिया था और इस भाई ने पूरा ये शूट किया है कि एक बार यहाँ चलिए आप में हमारे खेतों के अंदर। तो इनके भी आसपास में खेत है। कितने बीघा जमीन आपके पास? हमारे पास 20 बीघा। 20 बीघा क्या लगा रखो आप? सोयाबीन। तो यहाँ के जो किसान है वो लगभग ज़्यादा सोयाबीन ही लगाते हैं। मेरे किसान मित्रों, आप देख सकते हो इस जो सोयाबीन की पेड़ है इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा नहीं होती,
लगभग 1 फीट तक इसकी लंबाई होती है। और आप इस पे यहाँ की इन लोगों की फसल देख सकते हो कितनी फलियाँ आई हुई है। आप आराम से देखोगे तो ये फली भी पूरी तरह से भरी हुई है और इन सभी पेड़ों के इसी तरह ये फलियाँ आई हुई है। और आप देखोगे ना तो जहाँ तक आपको जो ये सोयाबीन की खेती खेत नज़र आए आपने ड्रोन शॉट में देखा होगा। और किसान मित्रों मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैं कंप्लीट राजस्थान में जितने भी किसान होते हैं उनसे मैं आपसे मिलवाता हूँ। और राजस्थान से कभी मैं बाहर भी जाता हूँ तो आप सभी दोस्तों से मिलवा सकता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज किसान मित्रों, इतने प्यारे प्यारे के किसान मित्रों से मिलाता हूँ आपको सभी दोस्तों से, उनके जो खेती की आपको जितनी हो सके उतनी जानकारी देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने किसान सहयोगी साथी हैं उनको से भी वीडियो को शेयर करना ताकि अपनी जो कि इंडियन किसान चैनल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय किसान जय जवान वंदे मातरम।